Welcome student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video we learn about mathematics chapter 1 sets class 11th. आप class 11th के set chapter के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. देखिए आप part 1, part 2, part 3 करके यहाँ पे लिखा हुआ है. part 1 already पहले अपलोड हो चुका है, part 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जिस पार्ट 1 में आपको सेट का इंट्रोडक्शन और सेट की जो शुरुआती कुछ टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे. पार्ट 2 में आप देखिएगा जहाँ तक का टॉपिक पार्ट 1 में कवर किया गया वहाँ से आगे बढ़ते हुए टॉपिक को कवर किया गया पार्ट 2 में. और पार्ट 2 में आपको एंड किया गया पावर सेट तक, पावर ऑफ सेट तक. और पार्ट 2 को देखने के बाद आज का जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स आपको लास्ट का जो पढ़ना है वो आप पढ़िएगा पार्ट 3 में, जो कि आप इस वीडियो में देखिएगा, जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं. आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा पूरा एक चैप्टर को हम कंप्लीट किए हैं तीन पार्ट में. तीसरा पार्ट ये है, तो तीसरे पार्ट में को आप लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को. अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. 9th, 10th, 11th, 12th कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा मैथ और साइंस का फुल नए मेथड के साथ पूरा वीडियोज और फुल कंसेप्ट फुल सिलेबस के साथ. तो पार्ट थर्ड को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. चलिए तो आप देखते हैं आगे वीडियो में. इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे. तो सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे आप जहाँ सिंपल जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, उसी तरह से सेट्स में भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसी की हम लोग बात करने वाले हैं. जैसे सबसे पहला वाला हम सेट्स में ऑपरेशन की बात करें, उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या, और हमने सीधे लिखा है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी. ए एंड बी आर द सेट्स. ओके, ए और बी जो याद है वो सेट्स है. कह रहा है कि ये ऐसा यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि देखिए, जब अगर सेट ए यूनियन सेट बी, अब आपको समझना होगा सेट ए यूनियन सेट बी लिखेगा आप लैंग्वेज लिखेगा नहीं, आपको इसको सिंबल से डिनोट करना होता है. जैसे आपको यहाँ से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, क्लियर है. तो ये हो गया आपका जो कि बीच में जो यू की तरह दिखाए हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन का सिंबल, क्लियर है. ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट सेट ए में हो वो और सेट बी में हो या दोनों में हो, ये सबको मिला के एक नया सेट फॉर्म करता है, एक ऐसा सेट जिसमें इन दोनों का एलिमेंट हो, उसी को बोलते हैं यूनियन बी. अब जैसे आप कहिएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एग्जांपल समझ, जैसा कि मैं आपको बार बार एग्जांपल समझाता हूँ, इसे फिर एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ है. जैसे मान लीजिए सेट ए जो है, सेट ए में आपका कोई कुछ एलिमेंट है 3, 4, 5 और 6. सेट बी में जो है, हम लोग ले लेते हैं सेट बी, सेट बी की बात करते हैं. मान लीजिए सेट बी में जो है आपका एलिमेंट यहाँ पे हो गया 4, 5, 6, 7, 8. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, तो जब ए यूनियन बी बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ जब सेट्स होगा, तो जो जितना एलिमेंट सेट ए में है, तो 3, 4, 5, 6 ए का हो गया, और जितना बी में है, तो बी में आप देखते हैं 4, 5, 6 का रिपीटेशन है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग्स हो गया तो 7 एंड 8. तो जो ए यूनियन बी बना उसको आप देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए यूनियन बी में ए का भी पूरा एलिमेंट और बी का भी पूरा एलिमेंट, या बोथ में जो एलिमेंट कॉमन है वो सारे एलिमेंट पाए जाते हैं. यही है ए यूनियन बी का मतलब. ये समझ में आपको आ गया. अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के. दूसरा जो ऑपरेशन है सेट्स पे वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं तो क्या कर रहा है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी. देखिए वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा था, और एक ऐसा सेट बन रहा था जिसमें प्रीवियस गिवन दोनों सेट्स के एलिमेंट थे, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या, जस्ट अपोजिट. और ये देखिए एक और मजे की बात है कि सिंबल भी इसका क्या होता है, अपोजिट होता है. वहाँ पे आप एस, ये यूनियन का सिंबल ये था, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल, अगर सेट ए और सेट बी की बात आप कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन का सिंबल जो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, और वो कुछ ऐसा हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी. तो ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों सेट में जो कॉमन है, दोनों सेट में जो कॉमन है उन्हीं को लिखना है. जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करेंगे. प्रीवियस एग्जांपल में जैसे कि आपने देखा होगा
कि हमने सेट ए में क्या लिया था, सेट ए में लिया था 3, 4, 5, 6 ओके, सेट बी में हमने क्या लिखा था 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर है। अब यूनियन तो आपको समझा दी, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब आप सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी करिएगा तो क्या होगा, मार्कर नहीं चल पा रहा वहाँ पे, तो सेट ए इंटरसेक्शन जब सेट बी कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों में कॉमन, तो आप देखिए इन दोनों में सेट में क्या कॉमन है, तो 4, 5, 6 सेट ए और सेट बी दोनों में है, तो बस वही एलिमेंट यहाँ पे 4, 5, 6 लिखा जाएगा। तो आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, क्लियर है। वहाँ पे टोटल को मिला के एक नया सेट फॉर्म कर जा रहा था, यहाँ पे क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसको लेके एक नया सेट फॉर्म किया जा रहा है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आगे बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है समझ, जैसे इंटरसेक्टिंग सेट आप समझ चुके हैं, डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट उसको बोलेंगे कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई हो जाए, फाई मतलब आपको मालूम है इम्पिटी, कैसा हो जाए इम्पिटी, मतलब एक भी एलिमेंट उसका कॉमन ना मिले, एक भी एलिमेंट कॉमन ना मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, क्लियर हो गया। जैसे आप सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए सेट ए में, जैसे यहाँ समझिए एग्जांपल से समझना बहुत ज़रूरी है, 1, 2, 3 दिया हुआ हो, और सेट बी की बात करें तो यहाँ 4, 5, 6 दिया हुआ हो, तो ए इंटरसेक्शन कि अगर बात करें आप, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जब वो क्या मिला 5, तो इसलिए इस सेट को आप क्या बोलिएगा, ए एंड बी आर सेट टू बी ए डिसजॉइंट सेट, ए और बी जो है वो कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, समझ आ रहा है आपको। आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो सेट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट की आप बात करिएगा, डिफरेंस ऑफसेट्स, अब डिफरेंस सिंपल सी बात है, जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वही चीज़ है, कुछ इसमें अलग नहीं है। डिफरेंस मतलब जैसे कि टू सेट्स का अगर डिफरेंस की बात करें, मान लीजिए सेट ए में से माइनस करना है सेट बी को, सेट ए माइनस सेट बी आपको करना है, तो जब माइनस करना है तो माइनस का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आप जैसे आप जेन्युइन सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वैसे ही है, जैसे आप कभी भी मान लीजिए 7 में से 5 माइनस कर रहा है, तो 7 में से 5 जगह तो बचा क्या 2, उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि जब आपको ए में से बी को माइनस करना है, क्लियर है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा सबसे ज़रूरी चीज़, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए में है और बी में नहीं है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश किया आप इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स को, जैसे मान लीजिए ए सेट ए में आपका एलिमेंट है 1, 2, 3 जैसा कि हम लिए थे पहले, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो मान लीजिए हो गया 3 और 4, क्लियर है ना, तो ए माइनस बी क्या होगा, अगर ए माइनस बी आप करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ए माइनस बी की मतलब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जैसे ही आप a माइनस बी करिएगा a माइनस बी, क्लियर है ना, तो a माइनस बी करने पे जो एलिमेंट सेट a में है और सेट b में भी है, जैसे कहने का मतलब जो एलिमेंट सेट a में है और सेट b में भी है वो एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एलिमेंट a में बच गया वही आपका आंसर हो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 a में भी है b में भी है, 3 हम छोड़ देंगे, तो इसके अलावा ए में बचा क्या, तो हमारे पास बचा 1 और 2, क्लियर है ना, ये समझ में आ गया आपको। अगर इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दें कि बी माइनस ए, हम क्या कर दें बी माइनस ए कर देते हैं, बी में से ए को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, तो जो एलिमेंट बी में है और जो एलिमेंट ए है उसमें हम देखेंगे कॉमन क्या, तो यहाँ भी हमको 3 कॉमन दिखा, 3 कैंसिल हो गया, उसके अलावा जो बी में बच गया तो क्या हो गया 4, क्लियर है, तो आंसर हो गया। तो आप समझ गए, देखिए समझना क्या मेन, जो पहले लिखा हुआ सेट है उसके एलिमेंट से मेन मकसद है हमारा, जैसे सेट ए को हम लिए तो 1, 2, 3 था, तो उसे में से चेक करें कौन कौन सा एलिमेंट सेट बी में है, उसको छोड़ देंगे, जो बच गया वो हमारा डिफरेंस हो गया, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, यहाँ पे आप समझ में आपको आ रहा होगा ए माइनस बी हो या बी माइनस ए, तो आपको ध्यान किस पे देना है, मेन सेट पे ध्यान देना है, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, क्लियर है। अब चलिए अब आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की आप बात करिएगा,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको समझना होगा कुछ, यहाँ पे एक अलग तरह से चीज़ समझना होता है। पहले तो आपको समझिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सेट को हम ए से डिनोट कर रहे थे, किसे डिनोट कर रहे थे, ए से। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होगा, एक यहाँ पे लग जाता है ए डॉट, ये हो गया डिनोट करना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। क्लियर है? आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जब आप डिनोट करना जान गए तो आप समझते हैं ये एक्चुअली में कहता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का इसकी बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी है, जैसे कहने का मतलब कि कोई यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट होगा तो जेन्युइन सी बात है उसका मान लीजिए सेट ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। क्लियर है? सेट ए सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। अब इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या हो जाएगा, तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाएगा, ए को माइनस कर लीजिए। अभी आपको डिफरेंस ऑफ सेट सिखाया थे क्या, जो पहले है उसमें का जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको काट दीजिए और जो बच गया, तो आपका यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बाबू, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 4 और 5, यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं हो रहा? चलिए आगे आप देखेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं सम रिजल्ट ऑन कंप्लीटेशन। इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो आप पढ़े हैं उसके भी कुछ रिजल्ट की बात करते हैं, कंप्लीटेशन पे क्या क्या रिजल्ट होता है। जैसे कहने का मतलब हमने सिचुएशन लिया था कि अगर ए क्या है सबसेट है यूनिवर्स का, यूनिवर्सल सेट का, तो क्या क्या हो सकता है। तो पहले रिजल्ट की हम बात करेंगे तो पहला रिजल्ट ये बनता है सबसे ज़्यादा कि यूनिवर्सल का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालिएगा तो आपको 5 मिलेगा। अब ऐसे कैसे, जैसे हमने आपको दिखाया था कि अगर ए इजिकल टू 1 2 3 4 अगर एलिमेंट है तो यूनिवर्सल सेट कुछ कोई बना हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं जिसमें कि प्रीवियस सेट का टोटल आना चाहिए। आपको पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से और उस वीडियोज को देख के और समझ सकते हैं यूनिवर्सल सेट वगैरह सबसेट के बारे में वहाँ चर्चा की गई है। तो यहाँ मान लीजिए 1 2 4 5 3 6 सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट्स में ए का पूरा एलिमेंट है इसीलिए ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो हमने कहा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 5, क्यों, कि जब यूनिवर्सल का आप कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने जाइएगा तो जो कि क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए अब दूसरे रिजल्ट की हम बात करते हो सकता है अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालिएगा तो क्या यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तीसरा जब आप बात करते हैं ओ हो जाए क्लियर, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट आप निकालिएगा तो आपको फिर पुनः क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। चौथे ऑप्शन की आप बात करते हैं तो अगर आप ए सेट ए यूनियन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब आप कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। पाँचवें रिजल्ट की बात करते हैं अगर आप ए सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का करिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 5, क्योंकि दोनों ए का कॉम्प्लीमेंट और सेट ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन आपको नहीं मिलता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन लॉज को समझेंगे। डी मॉर्गन के लॉज को समझने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि उन्होंने कहा क्या था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कहा फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए और बी के लिए उन्होंने कहा था कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप ये फर्स्ट वाले को देख रहे होंगे, क्या कहा था पहला, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर हो गया? दूसरा बात उन्होंने क्या कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब जैसे कि आप अब आपको हम प्रूफ दिखाने वाले हैं कैसे ये बातें को प्रूफ किया जाता है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। क्लियर सी बात? देन जैसे आपको यहाँ समझना होगा तो
मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो एलिमेंट हो गया आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन आपको जैसे ही हमने पीछे बताया था कुछ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, कि अगर वो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट, किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर वो एलिमेंट है तो उस सेट का वो एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जेनरल सी बात है कि वो एक्स जो होगा ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा। तो जब ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा तो एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं है, एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है, तभी तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट नहीं है। अगर ए का एलिमेंट नहीं होगा बी का, तभी तो ए यूनियन बी का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट। इसका मतलब ये क्लियर सी बात है, एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका एलिमेंट वो होगा। क्लियर हो गया? अगर वो कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है, तो जेन्युइन बात हो गया कि एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वो एलिमेंट हो गया। तो जब ऐसा रिलेशन बना तो पहला हमारा जो था वो रिजल्ट यहाँ पे आपको प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सिमिलरली ये सबसेट हो जाएगा ऐसे, तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी तरह से दूसरे भी रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं, आप ट्राई करेंगे, ये प्रूफ होगा। यही था डी मॉर्गन लॉ, जिसका यूज हम लोग डायरेक्टली बहुत सारा करते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन, लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ आपको लॉज के बारे में, एक्स्ट्रा लॉज जो है उसके बारे में, वो कौन कौन से लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे कि आप ऑपरेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ को पढ़े हैं, उसी तरह चीज़ को यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट कौन कौन से लॉ को सेटिस्फाई करते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे आपको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स की। तो लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में पहले बात करें कम्युनिकेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा, जैसे 2+4 है तो वो 4+2 के बराबर होता है, उसी तरह से ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी पॉसिबल है, कम्युनिकेटिव लॉ हमारा यही कहता है। दूसरा यहाँ ए बी सी जो हम ले रहे हैं वो क्या है, सेट है, क्लियर है ना। अब यहाँ बात करते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी होगा। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और सबसे एक और लॉ दिया हुआ है तीसरा जो है ए यूनियन ए वो क्या होगा, ए सेट ए, मतलब सेम सेट का यूनियन करेगा तो सेम सेट ही मिलता है, ये है एडिटिव लॉ, क्लियर है। चौथे लॉ की हम बात करते हैं तो ये कह रहा है आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आप वहाँ भी पढ़े हैं कुछ भी जोड़ने पे क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट ना पड़ना हो, जैसे 2+0, 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी के तौर पे फाई को लिया जाता है, फाई इम्पिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फाई ए इंटरसेक्शन फाई करिएगा तो फाई इंटरसेक्शन ए के बराबर, मतलब आपको सेट ए ही मिलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। अब लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो सेम वैसे ही है, ये भी कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। आइडेंटिटी लॉ को भी फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा आपको सेट ए ही देता है। और ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ चेंज हो रहा है, जैसे ए इंटरसेक्शन फाई करिएगा या फाई इंटरसेक्शन ए तो फाई मिलेगा, साथ ही में एक यूनिवर्सल सेट के साथ भी इसका रिलेशन होता है। अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करिएगा तो भी आपको सेट ए ही मिलता है। यूनियन में आप देखे हैं वहाँ थोड़ा अलग था, ए यूनियन यूनिवर्सल करिएगा या यूनिवर्सल यूनियन ए करिएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल रहा था, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपको सेट ए मिल रहा है, क्लियर है ना, समझ में आपको आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए लाइक शेयर जरूर करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सके। रेगुलर वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा 9th, 10th, 11th, 12th का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर। चलिए तो अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम को आपको समझना होगा, वेन डायग्राम क्या है। देखिए वेन डायग्राम से बच्चे बहुत डरते डरते हैं, बहुत सिंपल है ये, आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जैसे आप समझिए वेन डायग्राम क्या कहता है, वेन वी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑफ सेट्स इन ए पिक्टोरियल फॉर्म, जब इसको पिक्चर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं ना सेट के रिलेशंस को,
सिर्फ के ऑपरेशंस को, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो है वेन डायग्राम है, क्लियर है ना। तो उसको हम लोग वेन डायग्राम करते हैं, फॉर्म ऑफ डायग्राम के में के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम वेन डायग्राम करते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए, पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स, जैसे आप सबके लिए कुछ स्पेशल शेप होता है जिसको आपको समझना होगा। जैसे आप बात करते हैं यूनिवर्सल सेट को किसी चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट की जब आप बात कीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं और कॉर्नर में यू लिखा रहता है, क्लियर है। कॉर्नर में क्या रहेगा, यू लिखा रहेगा। अब आप बात करिएगा अगर यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होता है कि उस रेक्टेंगल में यूनिवर्सल हो गया और उसमें जो सर्किल होगा, सर्किल के अंदर जो एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट के सबसेट को। अब आप बात करते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट की जब बात कीजिएगा तो जैसे आप मान लीजिए डिसजॉइंट सेट क्या होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन की जब बात करिएगा तो दो डिसजॉइंट सर्किल से इसको रिप्रेजेंट कर, जैसे एक अलग सर्किल दूसरा एक अलग, इसमें कोई रिलेशन दिखाई नहीं दिया जाए, क्योंकि डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कोई एलिमेंट कॉमन होता है, इंटरसेक्शन की बात होगी नहीं। अगर आप बात करिएगा इंटरसेक्टिंग सेट्स की, तो इंटरसेक्टिंग सेट में क्या होता है जो कॉमन, तो ये एक मिनट आपको थोड़ा सा, ये क्या होगा आपको इसे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगा इंटरसेक्टिंग सेट्स में, क्लियर है। अब इंटरसेक्टिंग सेट में आप समझिएगा जो दोनों में कॉमन है वो बीच में लिखा जाएगा, और जो दोनों में कॉमन अनकॉमन है वो क्या होगा रिमेनिंग में। तो जो रिमेनिंग में लिखा गया इससे भी एक रिलेशन मिल जाता है, यहाँ जो बचा अगर सेट मान लीजिए ये सेट ए है, एक बार एक मिनट आपको थोड़ा सा बड़ा सर्किल ड्रॉ करके समझाने की हम कोशिश करते हैं इंटरसेक्टिंग सेट का क्या है एक कुछ खास रिलेशन था उसको, एक सर्किल दूसरा सेट, तो इंटरसेक्शन वाला पाथ ये हो गया। अब ये जो हुआ मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, तो आप यहाँ पे समझना होगा यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, तो ये होगा ए माइनस बी, यहाँ पे जो एलिमेंट बचा वो ए माइनस बी है और यहाँ जो एलिमेंट बचेगा वो बी माइनस ए है, डिफरेंस ऑफ सेट भी क्लियर हो गया। तो यही सब आपका रिप्रेजेंटेशन की बात हम लोग कर रहे थे। तो इसके दो सिचुएशन जो होते हैं, तो पहला सिचुएशन वो हो गया व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन, तो अगर जब यूनिवर्सल सेट और उसका सबसेट दिया हो, तो मैंने क्या बताया आपको कि ये हो गया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर जो सर्किल में बना हुआ है लिखा हुआ एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सबसेट को। दूसरा सिचुएशन ये बनता है व्हेन द टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर गिवन, अगर टू इंटरसेक्टिंग सबसेट है और उसका यूनिवर्सल गिवन है तो आप कैसा सिचुएशन बनाइएगा, तो आपको समझना होगा इसके लिए। जैसे ये क्या हो जाएगा आपका जो ये सर्किल है ये किसके अंदर चला गया, यूनिवर्सल सेट के अंदर चला गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे कटिंग, ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी हो गया, ये क्या था बी माइनस ए था, ये ए माइनस बी था, और बीच में जो ये पार्ट है ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, क्लियर है ना। समझ गए होंगे आपको चैप्टर जो था इतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया पार्ट वाइज में। अगर आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो इसके पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड किया, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाके आप देख लें, पीछे का टॉपिक को कवर करें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा चैप्टर।